આપણે પ્રેક્ટિકલ નું કેલ્ક્યુલેશન કરીશું રાઈટ આપણા પ્રેક્ટિકલ નો એમ શું છે તો કે ટુ ડિટરમાઇન ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ગિવન KMnO4 સોલ્યુશન બાય ફ્રિટેટિંગ ઇટ્સ અગેન સોલ્યુશન ઓફ 0.1 મોલર H2C2O4 2H2O सॉल्यूशन राइट मतलब कि KMnO4 सॉल्यूशन को हमें टाइट्रेट करना है ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन से राइट तो KMnO4 मींस व्हाट तो कि पोटेशियम परमैंगनेट राइट एंड H2C2O4 मींस ऑक्सैलिक एसिड राइट तो हम लोगों ने उसकी थियरी पढ़ी थी राइट लास्ट प्रैक्टिकल में हम लोगों ने क्या किया था प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था राइट तो उस टाइम पे हमारा कुछ रीडिंग आया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था क्या आया था हमारा रीडिंग तो कि 7.9 हमारा रीडिंग आया था राइट फाइनल रीडिंग था क्या था 7.9 राइट चलो अब आप लोगों को आपकी जो रिकॉर्ड बुक है राइट उसमें प्रैक्टिकल कैसे लिखना है कैलकुलेशन कैसे करना है उसके बारे में हम लोग ये पार्ट में कवर करेंगे राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपरेटर्स में एपरेटर्स राइट तो एपरेटर्स में क्या लिखना है तो आप लोग कौन से एपरेटर्स यूज कर रहे हो राइट ब्यूरेट पीपेट कॉनिकल फ्लास्क देन बीकर राइट जो भी फर्नेस राइट जो भी एपरेटर्स फिर KMnO4 सॉल्यूशन का पाउडर फॉर्म में लेते हैं फिर उसको KMnO4 के जो पाउडर लेते हैं उसको हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाते हैं राइट देन H2C2O4 राइट वो सब हमें यहाँ पे लिखना है राइट अब मटेरियल्स तो मटेरियल्स में हम लोग ब्यूरेट में क्या लेते हैं पिपेट में क्या लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेते हैं कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं राइट मतलब कि आपने ब्यूरेट में शू भरी है पिपेट छे कॉनिकल फ्लास्क छे ये बदा में शू भरी है छे राइट एना विषे आपने आमा लखवानू छे तो हूँ जेम जेम बोलू छू एम तमारी रेकॉर्ड बुक में तमारे लखता जवानू राइट तो पहलू छे ब्यूरेट तो ब्यूरेट से हम लोग क्या फिलअप करते हैं तो कि जो जो KMnO4 सॉल्यूशन है राइट वो हम लोग कहाँ पे फिलअप करते हैं तो कि ब्यूरेट में राइट तो यहाँ पे ब्यूरेट में हमें क्या लिखना है एक्स मोलर KMnO4 सॉल्यूशन राइट देन ये कॉनिकल फ्लास्क मतलब कि पिपेट थी आपने जो शक करिए राइट पिपेट से जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग किस में डालते हैं तो कि कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं राइट क्या लेते हैं हम लोग तो कि 10 ml ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन राइट तो यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में हमें क्या लिखना है 10 ml ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन प्लस उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं तो कि 1 test tube राइट आपने इन्हीं अंदर शू एड करिए 1 test tube H2SO4 राइट तो H2SO4 सॉल्यूशन रखिए 11 राइट देन इंडिकेटर इंडिकेटर में हम लोग क्या यूज करते हैं कुछ भी नहीं यूज करते राइट आपने इंडिकेटर में इंडिकेटर एटले शू तो के सूचक राइट एम आपने कशु यूज करिए छे तो के ना के बिकॉज KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर जे KMnO4 छे ए शू छे स्वयं सूचक छे इसीलिए हम लोग इंडिकेटर के लिए कुछ भी यूज नहीं करते राइट एंड कलर चेंज मीन्स रंग परिवर्तन राइट लास्ट में क्या होता है तो जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन ऐड करते हैं राइट वैसे वैसे आप लोगों ने देखा होगा कल जब मैंने प्रैक्टिकल किया था तो पहले वो पर्पल कलर आएगा राइट जो KMnO4 का कलर है तो धीरे धीरे वो पर्पल कलर चला जाता है कलरलेस हो जाता है राइट लेकिन एक टाइम ऐसा आता है लास्ट में जो हमारा रीडिंग आया था 7.9 उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है जो हम लोग टाइट्रेट करते हैं राइट जे बनने सॉल्यूशन आपने मिक्स करिए छे तो लास्ट नी अंदर शू थाय छे तो कि पिंक कलर मळे छे आपने राइट लाइट पिंक तो कलर चेंज में हमें क्या लिखना है तो कि वायोलेट टू लाइट पिंक मतलब कि जांबली माथी आछो गुलाबी कलर राइट तो ये थयो आपनो कलर चेंज उसके बाद हमें क्या लिखना है इक्वेशन लिखने जो इक्वेशन मैंने आपको फर्स्ट जो फर्स्ट पार्ट था हमारा प्रैक्टिकल का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था राइट उसमें मैंने आपको सब इक्वेशन सिखाए थे राइट वो इक्वेशन लिखना है उसके बाद प्रोसीजर में क्या लिखना है कि जो हम लोग प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं राइट जिसके बारे में थियरी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है आप लोगों की जो मैन्युअल है राइट जो प्रैक्टिकल मैन्युअल है उसमें भी आपको प्रोसीजर दी हुई है तो उसमें से आपको क्या लिखना है प्रोसीजर लिखनी है राइट देन उसके बाद क्या आता है तो कि ऑब्जर्वेशन टेबल तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या लिखना है तो जो हम लोग ब्यूरेट रीडिंग में ऑब्जर्व करते हैं राइट वो ही हमें लिखना है तो फर्स्ट फाइनल रीडिंग इनिशियल रीडिंग एंड डिफरेंस राइट तो इनिशियल रीडिंग मतलब व्हाट तो कि जब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं राइट जारे आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाना चालू करिए छे तो आपने ब्यूरेट में शू सेट करिए छे हम लोग ब्यूरेट में क्या सेट करते हैं जीरो सेट करते हैं राइट तो ये इनिशियल रीडिंग में हमें क्या लिखना है
एंड जीरो जीरो सब में राइट right? यहाँ पे वन टू थ्री फोर मतलब कि आपको फोर रीडिंग लेने हैं और वो फोर रीडिंग की जो एवरेज आए यहाँ पे आपको वो लिखना है राइट right? हमारा फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कल जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था उसमें हमारा फाइनल रीडिंग आया 7.9 राइट right? तो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस क्या मिलेगा हमें क्योंकि 7.9 मिलेगा राइट देन सेकंड टाइम अगर हम लोग रीडिंग लेते हैं तो आपका रीडिंग अगर 7.8 आया तो उसका डिफरेंस भी हमें क्या लिखना है 7.8 तो 7.8 माइनस 0.0 तो 7.8 मिला। हमें तीसरी रीडिंग लेवाना राइट थर्ड रीडिंग लेंगे तो थर्ड रीडिंग फॉर एग्जाम्पल 3.8 आया तो यहाँ पे डिफरेंस भी क्या मिलेगा 3.8 राइट। फोर्थ रीडिंग हमें लेने हैं राइट बिकॉज एक्यूरेसी चाहिए हमें इसके लिए। फोर्थ रीडिंग आप लोगों ने लिया तो वो भी आपका 7.8 आया तो यहाँ पे लिखो 7.8 राइट। अगर आपका 7.7 आता है रीडिंग तो 7.7 भी लिखना। आपका रीडिंग जो भी आए आप लोग जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो जो भी आपका रीडिंग आए वही रीडिंग आप लोगों को यहाँ पे लिखना है राइट। कल हम लोगों ने टू टाइम्स प्रैक्टिकल किया था राइट। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था तो कि फाइनल रीडिंग लिया था कि हमारा रीडिंग किसके बीच में पायलट रीडिंग बोलते हैं उसे राइट। तो पायलट रीडिंग था हमारा 8 इट मीन्स वॉट तो कि हमारा जो रीडिंग है वो 7 to 8 के बीच में ही आएगा राइट। वो मैंने कल आपको प्रैक्टिकल करते वक्त बताया था। उसके बाद हमारा रीडिंग 7.9 आया जो हमें और 2 to 3 टाइम्स परफॉर्म करना है राइट। तो अब क्या करना है तो कि ये जो हम लोगों ने रीडिंग ली है 4 टाइम्स वो रीडिंग की एवरेज लेनी है मतलब कि 7.9 प्लस 7.8 प्लस 7.8 प्लस 7.8 और लास्ट में हमें क्या लेना है एवरेज लेनी है राइट। तो उसकी एवरेज हमें क्या मिलेगी तो कि 7.8 ml। ये सब जो रीडिंग है वो रीडिंग सब किसमें है ml में राइट बिकॉज ब्यूरेट रीडिंग ले रहे हैं। ब्यूरेट रीडिंग मतलब कि जो स्टैंड में हम लोगों ने सेट की थी ना उसको ब्यूरेट बोलते हैं राइट। वो तो आपको पता होगा तो वो रीडिंग सब किसमें आते हैं ml में आते राइट। तो ये हमारा फाइनल रीडिंग क्या आया 7.8 ml। ओके नेक्स्ट कैलकुलेशन। फर्स्ट मोलारिटी कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ KMnO4 मतलब कि KMnO4 नी मोलारिटी गणवानी है राइट। तो उसके लिए एक इक्वेशन है A1M1V1 इज इक्वल टू A2M2V2 राइट। इन दिस इक्वेशन A1 एंड A2 राइट A1 इट इज टू तो के नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट मतलब A1 हम लोग किसके लिए ले रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड के लिए और 2 हम लोग किसके लिए ले रहे हैं KMnO4 के लिए राइट। तो A1 मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट लॉस जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ऑक्सैलिक एसिड राइट उसे हम लोग क्या बोलेंगे A1 राइट। तो हमारा जो रिएक्शन था राइट तो वो रिएक्शन में ऑक्सैलिक एसिड कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 राइट। देन M1 मतलब की मोलारिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की मोलारिटी आपने आप ही छे A मार्केटली तो के 0.1 तो M1 इज इक्वल टू 0.1। देन V1 मतलब तो के वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इतने के आपने ऑक्सैलिक एसिड जितना ml लिए छे कितना ml लिए छे आपने हम लोग ऑक्सैलिक एसिड किससे ले रहे हैं पिपेट से राइट कितने ml 10 ml राइट 10 ml हम लोग ऑक्सैलिक एसिड ले रहे हैं। अब A2 M2 and V2 ये किसके लिए लेना है KMnO4 तो A2 मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस बाय KMnO4 राइट। रेडॉक्स रिएक्शन में KMnO4 या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा राइट या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लॉस करते हैं राइट वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे उसे हम लोग क्या लेना है वो A2 राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन राइट। देन M2 मतलब की मोलारिटी ऑफ KMnO4 जो हमें कैलकुलेट करनी है राइट। एंड लास्ट V2 मतलब की वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 हम लोग कहाँ पे लेते हैं तो क्या ब्यूरेट में फिलअप करते हैं राइट। तो ब्यूरेट रीडिंग जो हमारा आया वो लिखना है तो 7.8 हमारी एवरेज क्या आई थी 7.8 राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7.8 लिखेंगे राइट। चलो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है तो कि मोलारिटी ऑफ KMnO4 फाइंड करनी है मतलब कि M2 फाइंड करना है। तो यहां से M2 को क्वेश्चन बनाएंगे तो M2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा A1 M1 V1
डिवाइडेड बाय ए टू अपॉन सॉरी ए टू इंटू बी टू राइट ए वन एम वन बी वन डिवाइडेड बाय ए टू इंटू बी टू राइट। अब क्या करना है तो क्या पुट द वैल्यू ऑफ ए एम बी ए टू बी टू राइट। चलो ए की वैल्यू क्या है क्योंकि टू एम वन पॉइंट वन बी वन टेन देन ए टू फाइव वो बैलेंस रिएक्शन में राइट हाफ रिएक्शन हम लोग लिखते हैं ना उसमें ये ए वन और ए टू की वैल्यू आती है राइट इलेक्ट्रॉन इंटू वी टू 7.8। तो हमें क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करेंगे चलो टू इंटू पॉइंट वन इंटू टेन मतलब उसका आंसर आएगा टू डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय 7.8 मतलब हमारा आंसर आया 0.05 मोलर राइट। तो ये हमें मिल गई मोलर राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है सेकंड तो कि ग्राम लीटर ऑफ KMnO4 राइट। तो ग्राम लीटर KMnO4 के लिए एक इक्वेशन है मोलारिटी इंटू मोलर मास राइट। तो मोलारिटी ऑफ KMnO4 जो हम लोगों ने कैलकुलेट की राइट आपने KMnO4 की जो मोलारिटी गणी थी ये मोलारिटी अया मुकवानी छे कितनी आई तो कि 0.05 इंटू मोलर मास मोलर मास ऑफ KMnO4 KMnO4 नो मोलर मास आवडे तमने पोटेशियम नो केटलू लेवानू 39 पछी Mn नो लेवानू छे एक्चुअली 54.9 छे अहीं आपने 55 लईशो एंड ऑक्सीजन नो केटलू तो के 16 पण ऑक्सीजन केटला छे तो के 4 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 मतलब की 64 प्लस 39 प्लस 39 प्लस 55 तो हमें आंसर मिला 158 राइट। तो मोलर मास ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 158 राइट। तो 0.5 इंटू 158 तो आंसर मिला हमें 7.9 मतलब कि ग्राम पर लीटर राइट। तो ग्राम पर लीटर हमें मिल गया KMnO4 के लिए 7.9 डन। तो ये था कैलकुलेशन ओके थैंक यू।